स्टूडेंट्स, आज हम उत्तर व्यवहारवाद के सेकंड लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने उत्तर व्यवहारवाद का अर्थ, उसके उदय के कारण व डेविड ईस्टन द्वारा वर्णित क्रेडो ऑफ रिलेवेंस में सात विशेषताओं की हमने चर्चा करी थी। अब हम आगे कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम उत्तर व्यवहारवाद की आलोचना, व्यवहारवाद से इसका अंतर और क्या यह परंपरावाद है, इस पर हम चर्चा हमारे इस लेक्चर में करेंगे। अब हम ले रहे हैं इसकी आलोचना। उत्तर व्यवहारवाद, जैसे हमने कहा कि व्यवहारवाद में कुछ कमियां थी तो उत्तर व्यवहारवाद ने उसको सुधारने का काम किया, पर क्या उत्तर व्यवहारवाद अपने आप में पूर्ण था, तो उसकी भी आलोचना की गई। सबसे पहली आलोचना क्या कि यह एक संकुचित विचारधारा है। संकुचित किस रूप में, कि ये जो अध्ययन किया गया ये जिस क्षेत्र के हिसाब से किया गया, ये मेनली अमेरिकन बेस्ड जो है ये अध्ययन किया गया था, इसलिए जो भी अमेरिका के साइंटिस्ट ने, पॉलिटिकल साइंटिस्ट ने जो अपने क्षेत्र की परिस्थितियों के अनुसार जो अध्ययन कर दिया वो उन्होंने पूरे विश्व में लागू कर दिया, तो इसलिए इसको हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते। अमेरिका की परिस्थितियाँ अन्य देशों की परिस्थितियों से भिन्न हो सकती हैं, पश्चिम और पूर्व में वैसे ही बहुत अंतर था, तो इसलिए इसको संकुचित माना जाता है। दूसरा, इसमें अंतर विरोधों की संभावनाएं हैं। अंतर विरोध से क्या मतलब है, कि एक तरफ तो आप कह रहे हो कि ये मूल्यों पर बल देना चाहिए, दूसरी तरफ आप कह रहे हो कि इसमें ना मूल्य तटस्थ होना चाहिए, फिर आप कह रहे हो कि ये जो है एक आदर्शवादी और व्यक्तिनिष्ठ अध्ययन की तरह होना चाहिए लेकिन इसमें तथ्यों पर भी बल दिया जाना चाहिए। तो कुछ ऐसी अंतर विरोधी वाली बातें उत्तर व्यवहारवाद में की गई है। और तीसरी चीज़ कि ये वैज्ञानिकता से दूर ले जाने वाली बात है, कि जहाँ व्यवहारवाद ने इसको वैज्ञानिक बनाने की कोशिश करी, उत्तर व्यवहारवाद ने इसका जो सार है, इसकी जो विषय वस्तु है, उसको उन्होंने बहुत ज़्यादा फोकस दिया, तो इस कारण ये कहते हैं कि भाई वो जहाँ वैज्ञानिकता के करीब लाया ये वैज्ञानिकता से दूर ले गया। फिर मौलिकता का अभाव जो व्यवहारवाद में भी कहा था वो यहाँ पर भी हो रहा है, कि भाई चूंकि यह अन्य विषयों में था, राजनीति विज्ञान में तो केवल इसको नए सिरे से पेश किया गया है, तो यह एक मौलिक अध्ययन नहीं है। फिर नेक्स्ट हम लेंगे बच्चों व्यवहारवाद व उत्तर व्यवहारवाद की तुलना, कि दोनों में क्या फ़र्क है। तो पहली चीज़, पहला अंतर क्या है, मूल्य निरपेक्ष एवं मूल्य सापेक्ष का अंतर। तो मूल्य निरपेक्ष कौन सा था, व्यवहारवाद था, जिसने कहा कि मूल्य तटस्थ होना चाहिए, और मूल्य सापेक्ष यानी कि उत्तर व्यवहारवाद, जिन्होंने कहा कि मूल्य से युक्त अध्ययन होना चाहिए। दूसरा, प्रकृति का अंतर। प्रकृति का क्या अंतर है, तो जहाँ व्यवहारवाद के लिए हम कहते हैं कि ये एक रिएक्शन था, एक प्रतिक्रिया था, जिसका कोई निश्चित या वास्तविक सिद्धांत नहीं थे, जबकि उत्तर व्यवहारवाद केवल एक रिएक्शन, एक प्रतिक्रिया नहीं थी, बल्कि यह मूल कमियों को दूर करके उसमें नयापन पैदा करके रचनात्मक पद्धति थी। ठीक है, तो वापस रिपीट कर रही हूँ, कि जहाँ एक ने केवल परंपरावादियों के विरुद्ध एक असंतोष प्रकट करने का काम किया, उत्तर व्यवहारवादियों ने कोई रिएक्शन नहीं दिया, उन्होंने उल्टा उस कमियों को पहचान कर, उनको दूर कर एक नए सिरे से, एक नए उपागम की बात करी, यानी कि इनका सकारात्मक योगदान माना जा सकता है। तीसरा अंतर, प्रवृद्धि से पूर्व सार तथा सार से पूर्व प्रवृद्धि संबंधी अंतर। जैसे क्या है ये मेन, ये पॉइंट क्या कह रहा है, कि जहाँ व्यवहारवादियों ने क्या, किस पर फोकस दिया, तो उन्होंने प्रवृद्धि यानी कि टेक्निक पर उन्होंने बहुत महत्व दिया, और उत्तर व्यवहारवादियों ने क्या कहा, कि तकनीक महत्वपूर्ण है लेकिन इतनी नहीं जितना किसका विषय वस्तु। तो उन्होंने, व्यवहारवादियों ने तकनीक पे फोकस किया और उत्तर व्यवहारवादियों ने सार पर फोकस किया। फिर अगला अंतर क्या है, सामाजिक परिवर्तन संबंधी अंतर, कि जहाँ व्यवहारवादियों के लिए अपन कह सकते हैं कि भाई वो उन अपने समय की परिस्थितियों के प्रति उदासीन थे, तटस्थ थे, वहीं उत्तर व्यवहारवादियों ने सामाजिक परिवर्तन के प्रति सक्रियता दिखाई। अगला अंतर, चिंतन विज्ञान एवं क्रियाशील विज्ञान। अगेन व्यवहारवाद क्या था, तो चिंतन विज्ञान था। चिंतन विज्ञान से मतलब ऐसा विज्ञान जो चिंतन ही करता रहता है, यानी कि ठोस उसने कोई उपाय ऐसे लागू करने जैसी कोई उसका योगदान नहीं है, जबकि उत्तर व्यवहारवाद एक क्रियाशील विज्ञान है, जिसने कि राजनीति विज्ञान को एक कर्मनिष्ठ विज्ञान के रूप में परिवर्तित किया और राजनीति विज्ञान के माध्यम से
तत्कालीन जो परिस्थितियाँ थी उनको उपाय ढूंढने में भी उसका उनका योगदान रहा है। फिर व्यवसाय के राजनीतिकरण संबंधी अंतर, तो जहाँ हमने व्यवहारवाद में ऐसी कोई बात नहीं सुनी थी, उनका व्यवसायों के प्रति उनका कोई स्पेशली फोकस नहीं था, उन्होंने इस बारे में वो चुप रहे हैं, जबकि उत्तर व्यवहारवादियों ने क्या कहा कि जितने भी व्यवसाय हैं उनका राजनीतिकरण होने से समाज में परिवर्तन आसान होगा। और लास्ट है प्रासंगिकता संबंधी अंतर, तो जहीं हमने कहा कि व्यवहारवादी जो हैं वो मूल्य निरपेक्ष होने के कारण शोध की प्रासंगिकता से दूर चले गए, यानी कि उनका शोध में बहुत ज़्यादा घुस गए, शोध की तकनीकी पर उनका बहुत ज़्यादा फोकस चला गया और शोध का जो पर्पस है, शोध से जो परिणाम निकलना चाहिए था उससे वो दूर हो गए। जबकि उत्तर व्यवहारवादियों ने क्या कहा कि भाई उन्होंने कहा शोध ही वो करो जिससे कि आपकी परिस्थितियों का कोई उपाय निकल सकता है, जो आपकी समस्याओं और आपकी परिस्थितियों से मेल खाता हो, जो प्रासंगिक हो, ऐसा अध्ययन होना चाहिए। तो ये हो गया बच्चों दोनों का अंतर। अब लास्ट जो हम कंक्लूजन के तौर पे कह रहे हैं कि भाई उत्तर व्यवहारवाद क्या है, क्या केवल ये भी व्यवहारवाद की तरह एक प्रतिक्रिया मात है, क्या ये परंपरा, अगर वो भी रिएक्शन है, जैसे हमने कहा कि स्टार्टिंग में हमने क्या कहा, ये उदय के कारणों की जब हमने बात करी तो हमने कहा कि भाई व्यवहारवादियों के प्रति असंतोष उत्तर व्यवहारवादी को जन्म दिया, और उधर हमने क्या पढ़ा था कि परंपरावादियों के प्रति असंतोष ने व्यवहारवाद को जन्म दिया। तो फिर अगेन ये रिपीट आई कि अगर तुम उत्तर व्यवहारवादी भी परंपरावादी से अगर विरोध में है तो क्या ये परंपरावाद है, तो इसको हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते, इसको बिल्कुल भी उसकी पुनरावृत्ति नहीं कहा जा सकता। क्यों नहीं कहा जा सकता, उसके तर्क में ले रही हूँ पहली से चीज, तो दोनों के कालक्रम संबंधी अंतर है, यानी कि पीरियड टाइम का दोनों में अंतर है। परंपरावादी जो हम कह रहे हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले का है, और उत्तर व्यवहारवादी का वे 1960 के बाद का राजनीति विज्ञान का जो अध्ययन किया गया वो 1960 के बाद है। तो सबसे बड़ा परंपरावाद और उत्तर व्यवहारवाद में अंतर समय को लेकर है। दूसरा मूल्य एवं तथ्यों संबंधी अंतर है, तो परंपरावादी जो थे उन्होंने बहुत ज़्यादा मूल्यों की बात करी, उन्होंने कहीं भी तथ्यों को इतना आवश्यक समझा ही नहीं, उन्होंने अपने मूल्यों के साथ जोड़कर एक आदर्शवादी जो चित्रण किया उन्होंने, वहीं उत्तर व्यवहारवादियों ने मूल्यों के साथ जोड़कर यथार्थ की समस्याओं का निराकरण करने के लिए उन्होंने तथ्य पर भी ध्यान दिया, उन्होंने आदर्श पर भी दिया, यानी कि इनका थोड़ा संतुलित हम कह सकते हैं कि अध्ययन रहा है। तीसरा अगर जो अंतर है वो क्या है, विचारधारा संबंधी अंतर, जहाँ परंपरावाद में अपन कहते हैं कि उदारवाद, लोकतंत्रवाद, आदर्शवाद आदि विचारधाराओं का अपन मेल देख सकते हैं, एक समन्वय देख सकते हैं, तालमेल देख सकते हैं, जबकि अगर हम देखें उत्तर व्यवहारवाद में मेनली लोकतांत्रिक विचारधारा ही देखने को मिलती है। ठीक है, तो परंपरावादियों में अपने को उदारवाद भी है, लोकतंत्र भी है और आदर्शवाद भी है, यानी कि और आदर्श बहुत ज़्यादा हावी था बाकी चीज़ों पर, लेकिन उत्तर व्यवहारवाद में लोकतंत्र और यथार्थ क्या चल रहा है वो इसमें ज़्यादा रहा है। और लास्ट है प्रासंगिकता संबंधी अंतर, तो वही बात रिपीट करूंगी बच्चों कि जहाँ परंपरावाद ने प्रासंगिक चीज़ों से वो दूर थे, उनका इतिहास और पुराने उस पर जो है अध्ययन रहा था कि ऐसा था और ऐसा होना चाहिए, जबकि उत्तर व्यवहारवादी ये हम कह सकते हैं कि इनका तीनों को उन्होंने जोड़ा है, क्या था, क्या है और क्या होना चाहिए, तो इस रूप में इनका अध्ययन अधिक प्रासंगिक है। आज के लिए इतना ही बच्चों, थैंक यू सो मच।